going to read poem Paper Boats. Good evening, students. So today we are going to read our poem Paper Boats, written by Rabindranath Tagore. The speaker in the poem is a little boy who says that he sails paper boats down a river every day. जो हर रोज पानी में पेपर बोट बनाकर छोड़ता है, कागज की नाव बनाकर पानी में स्ट्रीम में छोड़ता है. अच्छा, और साथ ही साथ ही राइट्स हिज नेम ऑन द पेपर बोट एंड हिज विलेज नेम ऑल्सो, इस उम्मीद में कि समवन इन अ डिस्टेंट लैंड, कि जो भी जिस लैंड पर भी ये बोट जाएगी और जिसको भी ये मिलेगी, वो पर्सन को पता लग जाए कि ये बोट किसकी है, क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ है. तो जिसको भी वो बोट मिलेगी तो उसे पता लग जाएगा वो बोट किसकी है और किस विलेज से बिलोंग करती है. ठीक है. एंड ही लोड्स द पेपर बोट्स आल्सो विद श्यूली फ्लावर्स. श्यूली फ्लावर्स मीन्स पारिजात फ्लावर्स होते हैं. एंड उम्मीद करता है कि वो सेफली लैंड कर जाएंगे. अब हम इस पोएम को डिटेल में पढ़ेंगे. डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. डे बाय डे आई फ्लोट, बॉय कहता है कि हर रोज, एवरी डे. डे बाय डे मीन्स हियर एवरी डे. ठीक है. एवरी डे, हर रोज मैं अपनी पेपर बोट्स बनाकर पानी में छोड़ता हूँ. वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, और एक एक करके जो बोट्स हैं वो नीचे पानी में बहती रहती हैं. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम, और मैं अपना नाम उन पेपर बोट्स पर बड़े बड़े काले काले अक्षरों में लिखता हूँ. एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लीव, और मैं उस गांव का नाम भी लिखता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम नो हु आई एम. मैं उम्मीद करता हूँ, होप मीन्स उम्मीद, मैं उम्मीद करता हूँ दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, कि कोई व्यक्ति जो अननोन लैंड पर, जिस अननोन लैंड पर ये पेपर बोट जाएगी, वहाँ पर जिसको भी ये मिलेगी, जिस भी व्यक्ति को, बच्चे को, किसी को भी ये मिले, नो हु आई एम, उसे पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, मतलब ये बोट किसने बनाई है. आई लोड माई लिटिल बोट्स विद श्यूली फ्लावर्स. श्यूली फ्लावर्स होते हैं पारिजात के फ्लावर्स. आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो, दीज आर श्यूली फ्लावर्स. आई लोड माई लिटिल बोट्स विद श्यूली फ्लावर्स फ्रॉम आर गार्डन. बॉय कहता है कि मैं अपनी जो छोटी छोटी पेपर की बोट्स हैं, मैं उनको लोड कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ श्यूली फ्लावर्स से, पारिजात के फ्लावर्स से. पारिजात फ्लावर जो होते हैं, दैट इज़ ऑफ वाइट कलर बट विद एन ऑरेंज स्टेम. उसकी जो स्टेम होती है वो ऑरेंज कलर की होती है. और वो जो श्यूली फ्लावर्स होते हैं बेटा, वो जो बच्चा है वो फ्लावर्स अपने गार्डन से ही इकट्ठा करता है और उसको अपनी लिटिल बोट में डालता है, फिल कर देता है अपनी लिटिल बोट को. एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डान विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. और उम्मीद करता है बच्चा कि ये जो ब्लूम्स हैं, ये जो खिले हुए फ्लावर्स हैं, डान मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, ये जो खिले हुए फ्लावर्स हैं विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. रात तक ये सेफली किसी लैंड तक पहुंच जाएंगे, किसी सुरक्षित हाथ में भी पहुंच जाएंगे. दिस इज़ द पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज पार्ट. द स्पीकर फ्लोट्स पेपर बोट्स. टू ऑप्शंस आर हियर, एवरी डे और वंस अ वीक. यस, वी विल गो विद द एवरी डे. सेकेंड, द स्पीकर राइट्स हिज नेम इन, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बिग ब्लैक लेटर्स. थर्ड क्वेश्चन, द स्पीकर होप्स दैट द श्यूली फ्लावर्स आर कैरिड सेफली. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आर हियर क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन वन, वेयर डज द स्पीकर फ्लोट द पेपर बोट्स. कहाँ पर फ्लोट करता है पेपर बोट्स को? डाउन द रनिंग स्ट्रीम. द स्पीकर फ्लोट्स द पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम. क्वेश्चन टू, वट डज द स्पीकर राइट ऑन द पेपर बोट्स. वेरी ईजी, ही राइट्स हिज नेम एज वेल एज हिज विलेज नेम. द स्पीकर राइट्स हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द पेपर बोट्स. थर्ड क्वेश्चन, What does the speaker load his paper boats with? किस चीज़ से लोड करता है अपनी पेपर बोट्स को?
Yes, with shuli flowers. Fourth question, when do the shuli flowers bloom? कब ब्लूम करते हैं? Which line in the poem tell you so? The shuli flowers bloom in the morning. किस टाइम? मॉर्निंग टाइम में. The words bloom of the dawn tells us so. ये वर्ड्स हमें बताते हैं that flower bloom in the morning. This is the exercise related to poem paper boats. Thank you.